का बड़ा बयान आया है। इस बयान को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि देश में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नकारात्मक राजनीति की जगह सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। वो वर्चुअली जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन्हें संबोधित कर रही थी, सुनिए। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाए और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करें, विकास की बात करें। जरा रिएक्शन एक बार फिर से सुनवाएं और फिर उसके बाद वो तस्वीर भी लाएं जो मौलाना तौकीर रजा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करें, विकास की बात करें। तो समस्याओं के हल की बात हो, विकास की बात हो, लेकिन अभी आपने तस्वीरों में क्या देखा? एक तरफ समाज को बांटने की बातें बंद हो और दूसरी तरफ तस्वीर किसके साथ? तौकीर रजा के साथ। किन तौकीर रजा के साथ? जो क्या कह रहे हैं, जो भारत का नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, यही हम दिखाना चाह रहे हैं आपको लगातार भारतीय राजनीति का, राजनीतिक दलों का। लेकिन के शर्मा जी, जो स्टेटमेंट हमने सुनवाया सर, अभी तक क्या एक्शन लिया गया उस पर? निश्चित रूप से कानून उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई आवश्यक रूप से करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कानून वहां जो अभी कह रहे थे, तो कानून ने कार्रवाई की है ना? कानून ने वहां पर नाही दर्शन पर तत्काल कार्रवाई की, तो क्यों तकलीफ हो गई समाजवादी पार्टी पर? वो तो एक साल से फरार थे, जैसे ही फरारी से वो मिले उनको गिरफ्तार कर लिया। तो उसमें इतना ज्यादा आज क्यों सफाई दे रहे थे वो अपने अखिलेश यादव की, उन पर कोई ये नहीं है, कोई केस नहीं है। तो वो न्यायालय हो गए क्या? फिर कानून को अपना काम करने दें, ना बोले। और रही बात अभी जो प्रियंका गांधी बोल रही हैं जवाबदेही, तो पहली जवाबदेही तो आज इनकी है। कम से कम प्रियंका गांधी आज अपनी जवाबदेही को समझते हुए ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं और जो समर्थन उनको जो व्यक्ति दे रहा है, तो अपनी जवाबदेही तय करें ना। जनता के बीच आए ना कांग्रेस पार्टी, राहुल आए, कांग्रेस आए, और ये आज कोई पहली बार नहीं है आदित्य जी। लगातार ऐसे जो है विघटनकारी संगठनों के साथ में कांग्रेस केरल हो, कर्नाटका हो, आप सारे विषय उठा के देखें तो इन लोग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती रही है। अब बाद में अभी एक कुछ भी बात होगी तो कह देंगे नहीं नहीं साहब हम इसके समर्थक नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है जी। तो ये तो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, तो इसलिए इनका तो जब भी इनके ऐसा कोई बयान आ जाएगा तो ये कह देंगे कि नहीं हमारा नहीं। और यही हाल समाजवादियों का है। अभी जितने भी बयान इस तरह से आए राम मंदिर से लेकर और तमाम इशू पर जो इनके वर्क साहब दे रहे थे और अन्य नेता दे रहे थे, तो नहीं नहीं साहब अखिलेश यादव जी ने तो नहीं कहा। तो इनके यहां क्या है, सबकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। एक तरह से ये कि आप बोलिए भी और हम इनकार भी करेंगे, तो ये इनका जो दोमुहापन है वो सब जनता के सामने है। और इसीलिए आदित्य जी बड़ी स्पष्टता से मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इस तरह की सभी राजनीतियों को दरकिनार कर चुकी है, बहुत समझदार हुई है 2014 के बाद से लेके। इसीलिए 2017 में हमें उसने जिताया, 2017 के बाद 2019 में जिताया इसीलिए, और उतने ही भारी बहुमत से, जितने भारी बहुमत से 14 में जिताया, 17 में उतने भारी बहुमत से, उतने भारी बहुमत से इसीलिए, क्योंकि उसने पता है ऐसी राजनीति में नहीं फंसना, हमें विकास पे जाना।